अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। थोड़ा बहुत शोर आपको मेरी वीडियोस में सुनने को मिलेगा ही गाइस, क्योंकि मेरे घर के मेन रोड में हाईवे है और काम चल रहा है, मतलब दुकान पे काम चल रहा है, इसीलिए भी तो ज़्यादातर ही आपको मेरी वीडियोस में बहुत आवाज़ें आती होंगी। पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये शोर को मैं बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये आते ही है बैकग्राउंड में शोर। तो एक भाई ने कहा था तो मैंने सोचा डिक्लेयर कर दूँ। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे सपोर्ट करना, मत बंद करना, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा ही मेहनत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज का जो वीडियो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने स्किन केयर से रिलेटेड बताने वाली हूँ कि कुछ दिन से क्या यूज़ करी हूँ जो मेरा स्किन इतना ग्लो है, आ गया है। बीच में बहुत ज़्यादा पिंपल भी हो गए थे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है फेस में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने फेस में ज़्यादातर कुछ भी लगा के वीडियो नहीं बनाती, बस एक लिपस्टिक लगाती हूँ या कभी कभी आई लिनर, लेकिन मैं ज़्यादातर मेकअप करके कभी नहीं आती। और अभी भी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको टिश्यू से दिखा सकती हूँ। ये आप देखिए, ये टिश्यू पेपर है, पूरा बर्बाद नहीं करेंगे यार, तो सही लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने फेस को, देखिए गाइस, थोड़ा सा भी मैंने मेकअप यूज़ नहीं किया है अपने फेस पे, बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, आपको दिख ही रहा होगा। सो ये मेरा नेचुरल ही ग्लो है, जो भी आपको दिख रहा होगा इस कैमरे पे या नहीं मुझे नहीं पता, बस ये फ़ोन थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम है। बट अगर मैं दूसरे फ़ोन से करती हूँ तो उस पर आपको मिलता ही, उस पर वो वाले में आपको देखने को मिलता ही होगा कि ग्लो वगैरह। दूसरे वाले जो व्लॉग पे मैं वीडियो डालती हूँ उस पर सही दिखता है। मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती और वीडियो को मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं करती कि मैं फ़िल्टर डाल के एडिट करूँ। तो मैं नॉर्मली कैमरा से बनाती हूँ और नॉर्मली डालती हूँ। तो मैं जो यूज़ करती हूँ उसके आज बताने वाली हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ कुछ दिनों से, यानी कि 1 मंथ से मुझे रिसीव हुआ था। मैं 1 मंथ से इसी को यूज़ कर रही हूँ। स्किन केयर में भी मैंने आपको दिखाया था, एक वीडियो और बनाई थी, मतलब इसके बारे में मैंने बहुत बार किसी भी चीज़ के बारे में इतनी बार नहीं बताया जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो वो ये वाली सीरम है, आप देख सकते हो, ये है वाओ की सीरम, विटामिन सी सीरम, ऑयल फ्री सीरम है, यानी कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल फ्री सीरम बहुत अच्छा होता है, वेट करें। और ऑयली स्किन वालों को मेकअप से पहले भी ऑयल फ्री सीरम ही यूज़ करना चाहिए। मेरा ड्राई है स्किन, बट गर्मियों में सबका ऑयली हो जाता है, गर्मियों में ड्राई स्किन वालों का भी फेस से ऑयल निकलने लगता है, तो ये तो है। बट जिनकी ऑयली स्किन है उनको सर्दियों में भी ऑयल फ्री ही यूज़ करना पड़ता है सीरम। तो ये सीरम आपके लिए बहुत बेस्ट है, ये वाओ का सीरम, और ये आपको ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है। सो वाओ स्किन साइन के तरफ से है ये विटामिन सी फेस सीरम, ऑयल फ्री 20% ऑयल फ्री, ऑयल फ्री बहुत पूरा है ये। आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, धीरे धीरे बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आपके फेस पे सडन ग्लो ला देता है। यानी कि ऐसा नहीं कि बोलते हैं ना ब्राइटनिंग मतलब गोरा कर देता है, गोरा नहीं करता, बस आपके फेस कलर के हिसाब से आपको बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है ये वाला सीरम। और ये डर्माकोलॉजी टेस्टेड है, जो कि मैंने अगली वीडियो में भी बताया था, विटामिन सी सीरम। और ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 2020, यानी कि इसी साल पे बना हुआ है, जून 2020 को, यानी कि समझिए यही 1 महीना पहले। मैं भी 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मैंने 1 महीने पहले ही लिया था। और इसका जो एक्सपायरी डेट है वो है मई 2022 तक का डेट है, मतलब बहुत अच्छे से चलेगा आपका।
और यही सीरम आपको बहुत दिन लास्टिंग करेगा, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लग सकता है लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करता है। और ये फेस वॉश भी है, मैं ब्रांड की तारीफ़ नहीं करी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी वाओ के फेस वॉश है मेरे पास एप्पल साइडर वेनेगर वाला भी फेस वॉश है जो यूज़ करती हूँ, थी अभी है, वो अभी भी है, पर उसको भी अराउंड 6 मंथ समथिंग हो गए। क्योंकि अगर आप देखोगे मेरा पिछला वीडियो जो मैंने खुद से ही परचेस किया था तो मैंने उसके बारे में बताया था, बट जब मैंने इसको यूज़ किया तब मुझे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये वाला फेस वॉश लगा, क्योंकि ये फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, ऑयल एक्सेस ऑयल जो होती है ना फेस में उसको बिल्कुल निकाल देता है। लेकिन जो एप्पल साइडर वेनेगर वाला फेस वॉश है वो एक्सेस ऑयल आपके फेस से नहीं निकालता और सडन ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और आपके फेस बहुत अच्छा फील होता है, बिल्कुल ऑयल फ्री फील होता है। इस फेस वॉश से आपको ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता और वो फेस वॉश से आपका ऑयल बिल्कुल नहीं निकलता। तो अगर जिनकी ऑयली स्किन है उसको मैं रिकमेंड करूँगी यही वाला फेस वॉश, आप इसी को यूज़ करो। और ज़्यादातर मेरे चैनल में बॉयज़ है तो उनको भी बोलूँगी इसी फेस वॉश को यूज़ करो, ये फेस वॉश आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो ब्रिसल्स है ना वो बहुत सॉफ्ट है। ये मत समझिए ऐसा दिख रहा है तो बहुत मतलब कि कड़े कड़े होंगे, आपके चुभेंगे आपके, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मतलब फ्रेंडली है, सिलिकॉन का है, बिल्कुल अच्छा सा है। और ये सीरम भी काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको यूज़ करके। इतना ना मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, आपको कितना अच्छा पंपर मिलता है, आप इस तरीके से अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये सीरम निकलेगा। ये देखिए इतनी क्वांटिटी में लीजिए और आप अपने फेस में इस तरीके से लगा दीजिए, आपको ज़्यादा सीरम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये सीरम भी अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, अराउंड इसका रेट है 700, बट आपको ये बहुत ज़्यादा ऑफर चलते रहते हैं सिर्फ वाओ पे। मैं अमेज़ोन वगैरह से परचेस करने आपको नहीं बोल रही, आप wow.com से इसको परचेस कीजिए, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेना। कल ही सडन मैंने देखा कि सनस्क्रीन वाओ के जो ओनली 99 में मिल रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस होता है वाओ के सनस्क्रीन का, 600, 400, 500 समथिंग ऐसा ही प्राइस होता है, ऐसा ही बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं वाओ के प्रोडक्ट। लेकिन कल सडन अगर आप वाओ से जुड़े हो, सिर्फ वाओ से, यानी ऐसा नहीं कि आप अमेजोन से लेते हो वाओ का प्रोडक्ट तो आपको ऑफर में मिलेगा, सिर्फ वाओ से आपको इतने भारी डिस्काउंट और इतनी भारी मतलब ऑफर में मिली थी ना, सिर्फ 99 रुपीज़, ओनली 99, 100 भी नहीं, 1 रुपये कम, चलो 100 ही समझ लो, 99 रुपीज़ में आपको एक सनस्क्रीन SPF 50 मिल रहा था। ये मार्केट में भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप वाओ से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखिए कि कब ऑफ़र चलता है, क्योंकि वाओ में ऑफ़र चल रहे हैं। और अभी और एक बहुत दमदार ऑफ़र है जो कि ये है कि अगर आप वाओ से शॉपिंग करते हो या आप वाओ के प्रो मेंबर हो तो आपको गिव अवे में आईफोन मिल सकता है, जो कि फर्स्ट विनर को मिलेगा और सेकंड विनर को 4K LED TV मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी, और थर्ड विनर को मिलेगा एप्पल का वॉच, और फोर्थ विनर को मिलेगा एप्पल का एयरफोन। वाओ सच अ नाइस ऑफर। और जो फिफ्थ विनर होगा उसको मिलेगा 5 अमेजोन शो नॉट शो, और जो सिक्स्थ विनर होगा उनको मिलेगा 100% हैम्पर, 100 हैम्पर्स मतलब कि 100 गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, मैंने परसेंट पढ़ दिया माफ़ कीजिएगा, तो 100 गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है वाओ में, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको ऑफ़र बहुत अच्छा मिल जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अच्छे ब्रांड से कुछ अच्छा ऑफ़र मिले, क्योंकि ज़्यादातर इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन काम बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारे वाओ के रिव्यू किए हैं जिसमें मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसकी तारीफ़ की, जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने उसकी
बारे में आपको सीधा सीधा बता दिया। आपने मेरी वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, जैसे कि मैंने वाव की शैम्पू जो एक कोकोनट वाली शैम्पू थी उसके बारे में भी मैंने रिव्यू किया था, तो उसके बारे में मैंने क्या बताया था वो शायद आप वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे जो पसंद है मैं उसके बारे में तारीफ़ करती हूँ, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। पर ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, और भी ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में आप इसी को यूज़ करो, सर्दियों में भी आप इसी को यूज़ करो, आराम से चल जाएगा ये। और बाकी सडन अगर मुझे और भी कोई चीज़ मिलती है अफोर्डेबल में और अच्छे में, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी वीडियो में। सो अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस बार बार बोलती हूँ पर आप लोग अपने रिक्वेस्ट मुझे बताते ही नहीं हैं। और बात रही कुछ लोगों की, एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था, जो मैंने नायका का हॉल दिखाया था गिफ्ट हैम्पर, तो वो मुझे कितने में मिला था, तो 1025 रुपीस में मिला था मुझे वो, और सच अमेजिंग। उसको भी मैं यूज़ करूँगी थोड़े दिन बाद, और उसके बारे में भी आप लोगों के लिए रिव्यू शेयर करूँगी कि वो कैसा है। तो उसमें बहुत ऑफ़र मिल रहे हैं, तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है जो मुझे बतानी है उसके बारे में, वो अच्छा है नहीं है ये एक्साइटिंग है, क्योंकि वो बॉडी पॉलिशिंग ऑयल था और बॉडी पॉलिशिंग जो स्क्रब था वो कैसा है, इसके बारे में भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है बहुत जल्द। तो मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में।